वो जो खातून का था उन्होंने ये पूछा था। एक्चुअली उनका पहला सवाल ये था कि मर्द और औरत जीन्स जो पहनते हैं तो इसके बारे में उन्होंने कोई जी जी सवाल जी किया हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल जी सही। जी शुक्रिया। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। पहला सवाल आपका था कि मर्द औरत के जीन के हवाले से। हाँ, मर्द बिल्कुल जीन पहन सकते हैं, कोई मजाक नहीं, लेकिन इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि खदोखाल जाहिर हो। तो मर्द के लिए जीन पहनने की इजाज़त है, क्योंकि ये तशब्बो भी नहीं आता, क्योंकि ये जीन और पैंट शर्ट अब ये बिल्कुल ऐसा उमूमी लिबास हो गया है कि मुसलमान भी इसको भी पहनते हैं। लिहाजा अब ये तशब्बो की वजह से इसमें हुरमत का अब फतवा नहीं रहा, बल्कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह आलम रब्बानी और हज़रत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह ताला बड़े बड़े अकाबिर ने फतवा दे दिया है कि अब पैंट शर्ट जो है वो मर्द बिल्कुल पहन सकते हैं। क्यों? कि अब ये इसमें तशब्बो नहीं रहा कि खास ईसाइयों का लिबास है, इसलिए उसकी इजाज़त है। अब रहा औरतें पहन सकती हैं कि नहीं, औरतें अगर अपने अबाया के अंदर नीचे पहनती हैं, अबाया पहनना नीचे पैंट पहन ली है जीन की, सर्दी की वजह से थर्मल का भी काम दे, तो उसमें भी कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि उसके नीचे पैंट पहनने भी ऊपर आपने जो वो पहन लिया है बुरका। लेकिन अगर बुरका नहीं है और आम जैसे औरतें जॉब पे जाती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाती लड़कियां, वो जीन पहने तो वो जीन इतनी जो है वो टाइट नहीं होनी चाहिए कि उनकी टांगों की खदो खाल जाहिर हो, वो भी ढीली ढाली होनी चाहिए, और उसके ऊपर शर्ट इतनी लंबी हो कि जो शर्ट ये घुटनों तक आनी चाहिए, कम से कम घुटनों तक आनी चाहिए, घुटनों के नीचे हो तो बहुत अच्छा है, घुटनों तक आनी चाहिए, ताकि ये राने जो है सारी, इन रानों का ये बटक्स खास तौर पे ये चीज़ें हिस्से जाहिर नहीं होने चाहिए, इतनी लंबी जैकेट ये शर्ट होनी चाहिए, बाकी नीचे जो है पिल्लियों का हिस्सा उस पर जीन जो है वो इतनी खुली होनी चाहिए कि उसकी खदो खाल जाहिर ना हो, और ऊपर अपना स्कार्फ वगैरह जो भी है वो पहन के जो है अगर लड़कियाँ पहने उसमें भी कोई मजाक नहीं है यहाँ की सर्दी और यहाँ की ठंड की वजह से। लेकिन अगर वो इतनी टाइट पहनती हैं, शर्ट इतनी छोटी है, सब खदोखाल आगे पीछे महसूस होते हैं, तो फिर बिल्कुल हराम है, और ये हदीस में इसकी सख्त ममानत की कि कुर्बे क़यामत में औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। उनमें एक ये इशारा भी है कि इतना चुस्त लिबास टाइट होगा कि खदोखाल ज़ाहिर होंगे, पहनना ना पहना बराबर होगा। तो इन शरायत के साथ अगर कोई लड़की ऐसे माहौल में अमरीका और यूरोप में तो अगर पहनती है, तो इन शरायत के साथ उसकी गुंजाइश और इजाज़त हो सकती है। बहुत शुक्रिया।